हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, यस बैंक और जेपी पावर। दोनों ही पर्टिकुलर स्टॉक्स से रिलेटेड बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इन दोनों पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने निवेश किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली हैं यस बैंक और जेपी पावर में। और यहाँ से अगर हम यस बैंक की बात करें तो कुछ एक ऐसी अपडेट निकल के आई है जिसका सीधा सीधा कनेक्शन है कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही एक बहुत बड़ा धमाका आपको यस बैंक में देखने को मिल सकता है। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक में अगर आज आप यहाँ पर देखोगे एक हल्की फुल्की तेजी का माहौल बना हुआ है। करीबन करीबन 13.65 रुपये के आसपास आपको ये शेयर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, और मार्केट क्लोजिंग तक हो सकता है आपको इसमें थोड़ी बहुत और फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाए। अब हम यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल आज आपको करीबन 0.75% तक की उछाल देखने को मिल रही है। और यहाँ पे कल था 30th December और यहाँ पे कल आपको डिश टीवी की AGM देखने को मिली थी। जैसा कि मैंने आपको हर एक वीडियो में अपडेट भी बताया था कि AGM में कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक क्रिटिकल भी हो सकते हैं और आने वाले टाइम में यस बैंक के लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो एक एक करके मैं जो अपडेट्स निकल के आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यस बैंक ने NSE और BSE को नोटिस जारी कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो निकल के आ रही है मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ट्रेडिंग विंडो है फॉर द इनसाइडर्स, यानी कि जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं यहाँ पे यस बैंक के, जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स निकल के आते हैं, जो कंपनी के बंदे हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे का रीज़न इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं वो ये हैं कि आपको बहुत जल्दी बैड बैंक्स यानी कि ARC देखने को मिल सकती है यस बैंक में। डेट आपको पहले बताई थी 31st of March 2022, लेकिन जिस अकॉर्डिंग ये जो नोटिफिकेशन निकल के आई है और यहाँ पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग बंद करी है, उससे चांसेस निकल के आते हैं कि ARC आपको बहुत ही जल्दी 1st week या 2nd week में जनवरी में देखने को मिल सकती है। और यहाँ से शेयर में एक बहुत बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट तो बाद की बात है, लेकिन बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो इसी चक्कर में जब कंपनी के ऑफिशियल्स को सारी चीज़ें पहले से ही पता होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग लोग यहाँ पर ट्रेडिंग ना करके बेनिफिट ना उठा पाए, तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद की जाती है। अब यहाँ पे आपको देखो इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। आप मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि पर्टिकुलरली रीज़न क्या हो सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग बंद करने का। जहां तक कि मेरे को एक्सपेक्टेशंस है वो मैंने आपको बता दी है, कंफर्मेशन जैसी निकल के आएगा मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी आपको क्या लगता है आप भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सो दैट मुझे भी और ज्यादा यहां से क्लैरिटी मिल सके। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी जो अपडेट निकल के आ रही है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि कल यानी कि 30th December को AGM देखने को मिली थी डिश टीवी की, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो प्रॉपर सिनेरियोज हैं वो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। अब यहाँ से आगे जो मेन अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि जो वोटिंग रिजल्ट्स हैं, यानी कि कल आपको वोटिंग भी देखने को मिली है बहुत सारे पर्टिकुलर सिनेरियोज पे, तो जो वोटिंग के रिजल्ट्स हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ शेयर करने वाली है डिश टीवी, और ये 3rd February को आपको देखने को मिलेंगे इसके पीछे के रिजल्ट्स। यानी कि जिस अकॉर्डिंग यस बैंक ने केसेस किए, डिश टीवी ने केसेस किए, उस अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया है
कि जो भी AGM का रिजल्ट निकलेगा, जो भी वोटिंग का रिजल्ट निकलेगा, वो यहाँ से डिश टीवी अब बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ शेयर करते हुए नज़र आने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कि वो अपनी पर्सनल चीज़ों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हुए यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। तो एक टाइप से यस बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। डिश टीवी के लिए आपको कल भी देखने को मिला था कि कल आपको गिरावट देखने को मिली थी करीबन 4% के आसपास की। तो ओवरऑल सिनेरियो यही है कि डिश टीवी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है, वहीं यस बैंक के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी होती नज़र आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करते हुए नज़र आ रही है। डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट तो आपको पढ़ते हुए दिखाई देगा ही देगा। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि अगर आपने यस बैंक में निवेश किया है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। शॉर्ट टर्म में कोई भी इतनी बड़ी इसमें फ्लक्चुएशन अभी तो नहीं दिख रही है, जिस वजह से आप इसमें बने रहो। तो मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये तो कुछ अपडेट्स निकल के आ रही थी यस बैंक से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जेपी पावर के बारे में। जेपी पावर में अगर आप यहाँ पे देखोगे करीबन 4.20% का अपसाइड मूवमेंट आज के मार्केट सिनेरियो में देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा शानदार मूवमेंट आज के मार्केट में आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। करीबन 6.10 से 20 रुपये के आसपास आपको ये शेयर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा भयंकर ट्रेडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें आपको बहुत ज़्यादा करोड़ों में देखने को मिल रहा है। सबसे पीछे यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देख पाओगे, जो इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि जो पावर की डिमांड है वो एट पीक पे होने वाली है आने वाली कुछ ही सालों के अंदर अंदर। और यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, उनकी यहाँ पर जो डिमांड है, उनका यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो बहुत हद तक इंक्रीज होने वाला है। लेकिन इन दी एंड अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने का पूरा यहाँ पर फैसला लिया गया है। लेकिन शॉर्टर पीरियड टर्म में अगर आप देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आप देख पा रहे होगे, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखो तो इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे कि ऑफिशियल्स की तरफ से कहना है कि अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो यहाँ पे पूरी तरीके से इम्पोर्ट करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो अपने फुल पोटेंशियल से भी ज़्यादा, यानी कि उनको हर चीज़ ऐसी प्रोवाइड कराई जा सकती है कि उनसे और ज़्यादा यहाँ पे जनरेशन हो सके। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा शेयर है जिसमें आप थोड़ा सा दाव लगा सकते हो, क्योंकि शेयर का प्राइस अभी काफ़ी हद तक कम है और जिस अकॉर्डिंग इसमें ट्रेडिंग हो रही है, जिस अकॉर्डिंग इसमें वॉल्यूम हो रहा है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये शेयर में आपको आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर अंदर बड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिले। फंडामेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती है, लेकिन आप जो थोड़ा बहुत एलोकेशन है वो आप इसमें करके चल सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, वीडियो को केवल नॉलेज के पर्पज से ही देखें। आई होप आपको वीडियो में देखिए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।